अर्जुन और काशवी सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं और काशवी को पता चल जाता है कि बिरजू जिसने कार में बॉम्ब लगवाया था उसके सर पर मस्सा है। जब काशवी बिरजू को देख लेती है, अर्जुन और काशवी दोनों बिरजू से जानने की कोशिश करते हैं कि किसके कहने पर उसने बॉम्ब लगाया। नित्या बिरजू को शूट करने जाती है कि तभी अर्जुन को ही गोली छू कर निकल जाती है। जब नित्या सामने आती है, अर्जुन और काशवी नित्या के हाथ में गन देखकर चौंक जाते हैं और नित्या दिखावा करती है कि वो सैम के कातिल को पकड़ने आई थी और वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए उसके पहले वो उसे शूट करना चाहती थी। महिमा रोमिला को कॉल कर इमोशनल होने का ड्रामा करती है और घर आने के बारे में पूछती है। तब दादी कॉल लेकर महिमा को साफ आने से मना कर देती। हुआ यह था कि बिरजू नित्या के असिस्टेंट को ब्लैकमेल कर पूरी पेमेंट करने के लिए कहता है। तब नित्या का असिस्टेंट बिरजू और नित्या को सामने ले आता है और बिरजू नित्या का फेस देख लेता है, जिससे जब बिरजू नित्या का नाम अर्जुन के सामने लेने जाता है तब नित्या सही वक्त पर आकर खुद को बचा लेती है। पर काशी और अर्जुन पूरा सच नहीं जान पाते कि नित्या ही मर्डरर है। काशी सैम की मौत से बहुत ज्यादा टूट जाती है और पढ़ाई करने से मना कर देती है। तब अर्जुन काशी से कहता है कि नयन ने तुम्हारी किताबें खरीदने के लिए अपनी फेवरेट साड़ी नहीं खरीदी थी, और सैम की आंखों में चमक और एक गुरु था कि उनकी बेटी सिविल सर्विस ऑफिसर बनने वाली। काशी उसे हिम्मत देने के लिए और कन्विंस करने के लिए अर्जुन को थैंक्स करती है। बाद में जब वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कुल्फी खाने जाते, एक बच्चे और पिता को कुल्फी खाते देख काशी इमोशनल हो जाती है और काशी को सैम और उसके कुछ मोमेंट्स याद आ जाते। तब अर्जुन काशी को हंसाने के लिए कुल्फी को अपने फेस पर लगा लेता है और कुल्फी से अर्जुन काशी को फाइनली हंसा देता है। अब तो बस देखना तो ये होगा कि क्या होगा, कि क्या अर्जुन और काशी नित्या की ट्रिक समझ पाएंगे, क्या काशी सैम के दिए सामान से नित्या के बारे में जान पाएगी, क्या अर्जुन उसकी मॉम के खिलाफ जाएगा, क्या काशी सच जान पाएगी। जानिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।